कारण किस देश में वंशवाद की राजनीति चलेगी कि लोकतंत्र में जहां एक मोची सीने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और देश की जनता ने 2014 में ये लोकतंत्र को मजबूत किया और 2014 में भी देश की जनता ने वंशवाद और गठबंधन की राजनीति को नकारने का काम और एक चाय बेचने वाला जिसकी मां दूसरे घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी, ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे देशभक्त को, एक ऐसे भारत माता के लाल को देश का प्रधानमंत्री देश की करोड़ों जनता ने बनाने का काम। और आज आप देखें इन सारे चार वर्षों में चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे बाह्य सुरक्षा हो, या फिर देश का गरीब जो 70 साल से विकास की बाट जो रहे थे कि उसकी भी जिंदगी में बदलाव आएगी, चाहे वो गरीब आदिवासी समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे शोषित हो, वंचित हो, अकेलियत हो, हर गरीब की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास, सर्वांगीण विकास, सबका विकास, सबका साथ के तर्ज में इन सारे चार वर्षों में जो प्रधानमंत्री जी ने काम किए उसे बताने की जरूरत नहीं, देश के हर क्षेत्र में एक काम बोल रहे हैं। देश की जहां तक हम आंतरिक सुरक्षा की बात करें, बाहर सुरक्षा की बात करें, मैं पिछला आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2004 और 2014 10 वर्ष ये जो आप गठबंधन बना रहे हैं महागठबंधन, इसकी सरकार थी कांग्रेस के नेतृत्व में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। इन 10 वर्षों में क्या होता था, पाकिस्तान के आतंकवादी कभी महाराष्ट्र में बम ब्लास्ट करते थे, कभी बॉम्बे में बम ब्लास्ट करते थे, कभी हैदराबाद में बम ब्लास्ट करते थे, कभी अक्षय मंदिर में तो कभी जम्मू के मंदिर में बम ब्लास्ट करते, और हद तो हो गई थी पार्लियामेंट में भी बम ब्लास्ट करते। लेकिन इन कांग्रेसियों की हिम्मत नहीं होती थी कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दी जाए। पहला बार 2014 के बाद आप देखें, ये चिंतन मनन करें, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनने के बाद देश के किसी राज्य में पाकिस्तान आतंकवादियों की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाके महाराष्ट्र, दिल्ली और हैदराबाद में बम ब्लास्ट करने। और दो घटना हुई भी तो आपने देखा, 29 सितंबर 2016 किस प्रकार उरी में हमारे सेना के जवान पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकवादियों को मारने का काम किया, आतंकवादी अड्डे को ध्वस्त करने का काम।